हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति शर्मा, आपको अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का कला और वाणिज्य, आप इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन में अपन एक सरल अर्थशास्त्र के मूल कार्य पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। हम कुछ प्रारंभिक विचारों का भी इसमें क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कि एडम स्मिथ के आधुनिक, मतलब जो एडम स्मिथ है वो अर्थशास्त्र के क्या है, जनक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के एक विषय के रूप में ये, मतलब उन्होंने अपने अर्थशास्त्रियों ने अपने अग्रणी, मतलब जो सबसे पहले उन्होंने एडम स्मिथ ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति, एक उन्होंने किताब लिखी थी, स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय से प्रोफेसर का पद पर रहे। स्मिथ ने सबसे पहले फ्रांस के फ्यूजोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक भी रहे। उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की बेटा, जिसका नाम था इन इंक्वायरी इन टू द नेचर द अकाउंट्स ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सेवन कैसे होता है, अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं, अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं, जो ऐसा नहीं है कि जिनमें देशों में खनिज अथवा अधिक उपजाऊ भूमि या अन्य संसाधन या संपदा नहीं होगी तो वहाँ का आर्थिक विकास नहीं। प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्राकृतिक से अपन को क्या है, प्राप्त। तो अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं, जिन देश में खनिज अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार प्राकृतिक के रूप में प्राप्त हुई है, विदेश प्राकृतिक रूप में सबसे धनी अथवा वास्तव में संसाधन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व की सबसे गरीब देश है। अनेक समृद्ध देशों में ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, जैसे भारत में है प्राकृतिक संपदा, ऐसे अन्य किसी देश में नहीं है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधन के कब्जे में महत्वपूर्ण माना जाता था, तब जिस देश में प्राकृतिक संसाधन संपूर्ण हो उस देश को, मतलब उसके संसाधन जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता था। लेकिन जब प्राकृतिक प्राक्रम के रूप में संसाधन का रूपांतरण होता है तो होता था, तो उसमें अपन आप पढ़ेंगे अंतिम वस्तुएं क्या हैं। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हों। मतलब अपन कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, अपन किसी वस्तु मान लीजिए चाय हो, तो अपन चाय को अंतिम वो, मतलब उसको चाय को अपन पूरा पीते हैं ना, अंतिम सीमा तक उसका उपयोग क्या करते हैं, अपन करते हैं। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो उत्पादन की एक सीमा रेखा को पार कर चुकी हों और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार हों। अंतिम वस्तुएं दो भागों में उनको क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो इसमें पूंजीगत वस्तुएँ होती हैं, आहार और वक्त जैसे, है ना, वस्तु एवं मनोरंजन जैसी भावनाओं का उपयोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उनको उपयोग किया जाता है। उन्हें उपभोग वस्तु और उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, मतलब जो वस्तु का उपयोग करते हैं, है ना, जो वस्तु का उपभोग करते हैं उसे कहते हैं उपभोग वस्तु, और उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु दी जाती है उसे कहते हैं उपभोक्ता वस्तु। इनमें सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि में हम इन्हें उपभोग वस्तु को उपभोक्ता, मतलब जो वस्तु उपभोग होती है, है ना, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मतलब अपन जैसे चाय, मान लीजिए अपने चाय बनाई, चाय का उपभोग किया, तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई ना, उपभोग वस्तुओं के उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। फिर उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तु दो प्रकार की होती हैं। उपभोक्ता वस्तु कौन कौन सी होती हैं, उपभोक्ता
वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, मतलब जो मानव की आवश्यकता होती है उनको वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको भोजन की आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है वो प्रत्यक्ष रूप से आपको संतुष्ट, आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, उसके बाद आप भोजन संतुष्ट हो गए कि मुझे अब भूख नहीं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए नहीं होता। फिर होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनके उत्पादन की प्रक्रिया कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। मतलब अपन कोई भी चीज़ का उत्पादन कर, पूंजी लगाकर अपन कोई भी वस्तु का उत्पादन कर ले है ना, उस प्रक्रिया को अपन कई वर्षों तक, आप मान लीजिए आपको कोई उत्पादन शुरू करना है, उसके लिए आप मशीनरी, भवन, ये सब ले लेंगे, तो वो आपकी ये प्रक्रिया उस कह चलेगी कई वर्षों तक चलेगी। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनके उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है या उत्पादक की एवं परिसंपत्ति होती है। उदाहरण प्लांट, मशीनरी, मैंने बताया ना आपको, कोई उद्योग शुरू करेंगे तो अपन उद्योग शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन क्या मालूम चाहिए, भूमि, भवन, उस पर भूमि पर भवन प्लांट बनाएंगे, मशीनरीज लगाएंगे, तो ये सब क्या हो गया अपना, ये सब वस्तुएं कैसी हो गई, पूंजीगत वस्तुएं हो गई। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनमें उत्पादन की प्रक्रिया से कई वर्षों तक उनका प्रयोग किया जाता है। फिर है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। तो आपको भी मतलब टिकाऊ उपभोक्ता मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसको आप खरीद लें जिसमें कोई टूट फूट ना हो है ना, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अपन कई वर्षों तक किया जाता है। तब मान लीजिए आपने कोई व्यापार शुरू किया है ना, कोई व्यापार के लिए आपने ऑटो या कुछ खरीदा, तो वो लंबे समय तक वो कैसी रहेंगी, जल्दी नहीं टूटेंगी है ना, वो टिकाऊ रहेंगी और आप लंबे समय तक चलेंगी। मशीन मान लीजिए कोई उत्पादन किया, तो उसके उत्पादन के लिए आपने क्या किया, टिकाऊ वस्तु का मतलब लेने के लिए अपन सबसे पहले मशीनरी लगाएंगे, वो मशीनरी क्या हो गई, कई वर्षों तक नहीं बिगड़ेगी ना, उनमें से कोई टूट फूट होगा। भवन बनाएंगे अपन तो भवन में मशीनरी रखेंगे, तो कोई उद्योग उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होगी और उसका उपयोग अपन क्या करेंगे, कई वर्षों तक करेंगे, जिसे अपन कहते हैं टिकाऊ उपभोक्ताएं वस्तु कहा जाता है। फिर किसी के लिए अंतिम वस्तु है और किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु होती है। मतलब किसी के लिए अंतिम वस्तु, कोई भी वस्तु का उपयोग, उदाहरण के लिए चाय बनाने के लिए दूध मध्यवर्ती वस्तु होती है। सबसे पहले अपन को चाय बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा, पानी, उसके बाद शक्कर पत्ती डाल ली अपन ने, लेकिन अपन काली चाय भी पी सकते हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु है अपन दूध। एक सामान्य मनुष्य जिसको रात में एक गिलास दूध पीना है उसके लिए दूध क्या है, अंतिम वस्तु होती है। मतलब जब वो अंतिम खाना खा लिया, भोजन कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, अंतिम वस्तु की, उसको क्या पीना है, दूध है ना, तो उसकी चाह मतलब एक वो होती है अंदर से कि मुझे नहीं जो दूध पीना है, खाना खाने के बाद दूध पीना है, दूध पीना है, मतलब उसकी वो एक अंतिम इच्छा, अंतिम उपभोक्ता की अंतिम वस्तु की उपयोगिता है ना, तो उसको इसे क्या कहेंगे आप, मध्यवर्ती। आप चाय बनाने के लिए दूध मध्यवर्ती वस्तु होती है और एक सामान्य मनुष्य के लिए, यह आपके लिए उदाहरण है, इसको रात में एक गिलास दूध पीना है उसके लिए दूध क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। हाँ, याद रहे टेलीविजन सेट, ऑटो मोबाइल, घरेलू कंप्यूटर अथवा यद्यपि अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, मतलब जो टेलीविजन सेट है, ऑटो मोबाइल है, घरेलू कंप्यूटर है, ये सब क्या है, अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अपन हमेशा अंतिम रूप में भी करते, देखते ना हम शाम टीवी शुरू हो तो टीवी रात तक देख, तो वो अंतिम। इसमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तुएं जैसी होती हैं। ये वस्तु कैसी होती हैं, टिकाऊ भी हैं, अर्थात ये तुरंत अथवा काल्पनिक उपभोग में भी नष्ट नहीं होती, मतलब
याद रहे कि कोई भी वस्तु जैसे टेलीविजन सेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, घरेलू कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या हो गया, अंतिम उपभोग की वस्तु होती है। पूंजीगत वस्तुएं जैसी होती हैं या वस्तु कैसी होती हैं, टिकाऊ होती हैं। मतलब टीवी तो अपन रोज खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं बेटा, या बदलेंगे नहीं कि अरे टीवी में अच्छा निकले, नहीं, ये टीवियाँ मतलब टीवी टेलीविजन ऑटोमोबाइल कंप्यूटर ये सब क्या है, टिकाऊ वस्तु। अतः ये तुरंत अथवा काल्पनिक उपभोग को भी नष्ट नहीं होने देते। इनका जीवन काल कैसा होता है, लंबा होता है, होता है आहार और जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। इन सब चीज़ों का जो वस्तु होती है, टेलीविजन ऑटोमोबाइल कंप्यूटर, इनका जीवन काल कैसा होता है, लंबा होता है, और वस्तु की अपेक्षा मतलब कोई भी वस्तु की अपेक्षा लंबा होता है। इनका आहार जो आहार है, जीवन काल है ना, उपयोग होने पर ये टूट फूट, इनमें टूट फूट भी होती है, कभी 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 टीवी बिगड़ जाती है या टूट जाती है, उसमें परम्मत अथवा पुर्जों के बदलने अर्थात मशीनों की तरह सुरक्षा रख रखाव, मतलब अगर ये टूट गई, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं ना, तो ये टिकाऊ वस्तुएँ, ये सब चीज़ें काय पे आती हैं, टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। अगर इनका उपयोग होने पर ये टूट फूट होती है, इसे मरम्मत अथवा पुर्जों को बदलने मशीनों की तरह सुरक्षा रख रखाव और पुनः नवीनीकरण की भी आवश्यकता होती है। मतलब ये सुधर सकती हैं और इनका नवीनीकरण भी हो सकता है। इन्हें हम वस्तुओं को टिकाऊ उपभोग वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं क्या कहते हैं, जिनका पुर्जों में बदलाव, मशीन सुरक्षा के रख रखाव, नवीनीकरण हो जाता है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था में एक दावेदारी कला अवधि में उत्पादित सारी संपत्ति वस्तु और सेवाओं पर हम विचार करें, मतलब कोई भी वस्तु है कोई भी अर्थव्यवस्था में, अपन उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को यदि हम विचार करें, तो उपभोग की वस्तु टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ रूप में होती हैं। मतलब जो वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ भी होती हैं और गैर टिकाऊ भी होती हैं। टिकाऊ ऐसे जो लंबे समय तक चले, और गैर टिकाऊ जो जिनमें टूट फूट हो जाए, जिनको मतलब अगर वो टूट जाए तो उसका उपयोग अपन डबल मतलब दोबारा ना कर सकें, ये गैर टिकाऊ वस्तु के रूप में होती है। वस्तु टिकाऊ और गैर टिकाऊ के रूप में होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं के रूप में अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्राकरण के अर्थात उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनके अंतिम रूप तक में जो आर्थिक क्रिया या पराक्रम होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा, जो अर्थव्यवस्था होती जो अपनी, उसकी उत्पादन की एक बड़ी मात्रा में अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त होती है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है, अपन कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं है ना, तो एक बड़ी मात्रा के बाद उसमें अंतिम उपभोग के रूप में वह समाप्त होती है, और यह पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं होती। फिर है बच्चों आपके लिए गृह कार्य है ना, आपने आज पढ़ा कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके आपको मैं चार प्रश्न दे रही हूँ बच्चों, इसको आप कॉपी में करोगे, हल करोगे। तो सबसे पहले है उत्पादन के चार कारक कौन से, फिर किसी अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय एवं के बराबर क्या होते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। अंतिम व्यय एवं समस्त कारक क्या होते हैं। फिर है स्टॉक और प्रवाह के भेद में स्पष्ट अंतर्भेद स्पष्ट कीजिए। चारों क्वेश्चन है बेटा, हाँ आपको पीडीएफ दिया जा रहा है बच्चों, उसको देखकर क्वेश्चन के आंसर लिखें। आपका एक टेस्ट भी होगा बच्चों, क्लास टेस्ट भी होगा, तो जब आपका टेस्ट होगा तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।